आप सभी लोगों को मैं नमस्कार। और सबसे पहले खुशी की बात यह है कि YouTube पे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। सो ये आप लोग का प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही वो चीज़ बनी रहे, आप लोग का स्नेह बना रहे मेरे साथ। सो आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग डेमो लेकर के आया हूँ वाटर कलर फिगर का। मुझे लगता है अभी तक मैंने सिर्फ सिंपल एक वाटर कलर फिगर में डेमो नहीं दिया है अभी तक, तो भी आज का जो रेफरेंस है आप देख सकते हैं। आज पहले मैं इसकी ड्राइंग करूंगा और देन इसी को मैं वाटर कलर में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने वाटर कलर पेपर ले रखा है, चित्रपट पेपर है, आप देख सकते हैं ये वाटर कलर चित्रपट पेपर है। ये थोड़ा मैंने इसको टिल्ट कर रखा है जिससे कि थोड़ा सा एक जो फ्लो है वो नीचे की ओर हो, क्योंकि बराबर लेवल पे कभी हम लोग काम नहीं करते, ये आपको ही पता है। वाटर कलर पेंटिंग में ये फ्लैट इमेज है, तो थोड़ा सा इसका जो एंगल थोड़ा अलग आपको दिख रहा होगा, और ये थोड़ा सा ये फ्लैट ना होकर हल्का टिल्ट है, तो इसका इफेक्ट आपको अलग दिख रहा होगा। मैंने लाइट नहीं जलाई हुई है, लाइट की रिंग लाइट से जलाई नहीं, क्योंकि रेफरेंस है, क्योंकि फिर उसमें फोकस आपको दिखेगा नहीं कि मैं बना क्या रहा हूँ। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डेमो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा आएगा देखने में, कैसे वाटर कलर, कैसे कलर स्कीम, हम क्या काम करेंगे, सारी चीज़ें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिन लोग को साथ साथ काम करना, साथ वैसे तो आपको पता नहीं कि मैं लाइव डेमो देने जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सेटअप तो आप तो लोगों ने तैयार नहीं कर रखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चाहो तो आप डेमो देख सकते हो, बाद में चाहो तो आप क्या कहते हैं कि डेमो के बाद कल अगर टाइम ले तो आप काम करके मुझे भेजिएगा। तो अभी मैं इसकी ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और जैसे कि जब आप कोई चीज़ पहली बार कर रहे हो या कभी आप कोई चीज़ आपके लिए नहीं, तो एकदम उसको मैच कराने में लग जाओ। पहले ये देखो कि उसका उसको थोड़ा सा प्रपोर्शन में उसमें क्या नॉलेज आपको मिलेगी, थोड़ा सा कलर स्कीम क्या होगा, ठीक है। जब कभी हम पहली बार स्केचिंग कर रहे होते हैं, वाटर कलर में काम करो, तो पहले एकदम उसको हम ऐसा कोई पोर्ट्रेट नहीं कि आपको एकदम पूरा सेम से निकाल देना है। हाँ, उसकी कलर स्कीम कैसे वेट ऑन वेट में काम करेंगे, थोड़ा लाइन ड्राइंग एंड प्रपोर्शन एंड ऑल सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो इसको मैं बना के दिखाऊंगा। तो अब देखो, मैं स्केचिंग करता रहता हूँ तो मुझे इसका हेल्प मिलेगा, जो आज मैं डेमो दूंगा इसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ में, इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि स्केचिंग करते रहो, कब कहाँ क्या काम पड़ जाए कुछ नहीं पता। थोड़ी पेंसिल और मैं शार्प कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत इसकी जो लेड है काफ़ी मोटी आगे से, तो फाइन एजेस मुझे क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसको थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से फाइन, थोड़ा सा मैंने फाइन कर लिया तो और इजी हो जाएगा मेरे लिए। इजी वैसे भी था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा वो ऐसे जब फाइन होती है तो थोड़ा सा डार्क कम चलती है, सॉरी हाँ, जब फाइन होती है तो पेंसिल थोड़ी डार्क कम चलती है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा लेड मोटी होगी तो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करती है, तो अब इस चीज़ को ऐसे करके नॉर्मली जैसे हम शेडिंग में निकालते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप कोई मतलब कि पेंसिल में स्केचिंग करा रहा हूँ, बस नॉर्मली सिर्फ आउट जितना आपको लगता है, जितना आपको समझ में आए उतना आप ड्रॉ कर लो, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, और नॉर्मली ये स्केच के रूप में होगा, जैसे आप लोग एंट्रेंस तैयारी करते हो, वहाँ पे हमें पता नहीं होता है कैसे कलर अप्लाई करना है फिगर में, तो आपको उसमें हेल्प करेगा काफ़ी। जो लोग एंट्रेंस दें, जिनका हो गया उनको मेरी तरफ से बधाई, जिनका नहीं हो गया कोई बात नहीं, और मेहनत करें, तो उनके लिए भी खास डेमो है जो उनको काफ़ी हेल्प करेगा, खासकर जिनको बड़ी दिक्कत होती है कि हम फिगर में कलर कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिनको नहीं पता है, बस नॉर्मली एक इसका डेमो मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ लाइव आके। अभी तक मेरी ऐसी कोई वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है, तो ये मैं फर्स्ट टाइम इसका डेमो दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जैसा भी आपको ये डेमो लगे प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा, जैसा भी आपको लगे, अच्छा ख़राब जो भी आपको लगता है, तो उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करता हूँ। कभी कभी नहीं देख पाता हूँ, वो एक बात अलग की है, कभी कभी नहीं रिप्लाई करने, तो मैं मोस्टली 90% रिप्लाई तो करता ही करता हूँ। ऐसे पगड़ी है, इसको थोड़ा सा मैं इसको फाइनलाइज कर रहा हूँ,
ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है चीज़ों को, बस हमेशा थोड़ा सा कूल होके काम करें, डरे नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पोर्ट्रेट डेमो ही चल रहा है, आप लोग फेस को मैच कराने उस तरीके, बस आपको बस एक फील देखना है कि कलर कैसे हो रहा है, ड्राइंग किस तरीके से कर रहा हूँ, कितनी डिटेलिंग इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा हम डिटेलिंग कर ही रहे हैं या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बस इतना इनफ है, मतलब मेरे हिसाब से फेस में इतना इनफ है। ये तो ऐसा फिर मैं वाटर कलर में कम करूँगा, मैं फिर शेडिंग में ही निकाल दूँगा इसको। ठीक है, इस तरीके से जब कलर करेंगे तो और बढ़िया इफेक्ट आएगा। तो अब नॉर्मली इसको कैसे हल्का सा जैसे कॉलर की लाइन है, ये शोल्डर की लाइन, जहाँ जहाँ जैसा दिख रहा है उसकी आउटलाइनिंग आप कर दें। और नाइट में थोड़ा डेमो का टाइम इसलिए भी रखता हूँ कि थोड़ा सुकून रहता है, और जैसे कि कुछ लोग आप लोग से फ्री भी होते हो, कुछ लोग जैसे कि दोपहर में कौन देखेगा, नहीं हो पाता है, या मैं रिकॉर्ड करूँ फिर उसको एडिट करूँ भी, क्या लाइव में अच्छा होता है कि आप डायरेक्टली जो भी कर रहे हो काम वो प्रॉपर सेव हो जाता है। और एक अच्छी बात लाइव डेमो का फ़ायदा क्यों, तो आपका बोलने का तरीका, मतलब आप समझ रहे हो ना कि बिना डर के, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो है पूरा लाइव है, ये नहीं कि आप कुछ बनावटी बात कुछ बता रहे हो या पहले से तैयार कर रखा है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और मतलब कि बिल्ड होता है बोलने का खासकर, इसलिए बोलता हूँ लाइव थोड़ा ट्राई करो चीज़ों को, उसका अपना एक अलग फ़ायदा होता है। खीरे बेचने वाले अंकल हैं, हाथ में खीरा पकड़ रखा है, ठीक है। देखो इस तरीके से मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और यहाँ से जैसे कुर्ता जा रहा नीचे की ओर, इतना बहुत है, ठीक है। तो इतनी ड्राइंग मुझे लगता है इतनी इनफ है। अब क्या करते हैं, कलरिंग स्टार्ट करें, कौन कौन से कलर यूज़ होंगे, क्या होगा नहीं पता, अब जब बनाएंगे समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं इसको हल्का साइड में कर रहा हूँ, मुझे लगता है फ्रेम में आपको वो चीज़ दिखेगी। ठीक है, तो अभी इसको क्या कहते हैं कि कलरिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और साइड कर लेता हूँ इस तरीके से, और थोड़ी पैलेट भी आपको दिखे। कभी कभी लोगों की एक निराशा होती है, सर पैलेट नहीं दिखाते हो, सर आप क्या कैसे कलर बनाते हो, चलो आज मैं पैलेट भी मैंने साइड में रख दी, इससे आपको देखिए कि मैं कौन से कलर मिक्स कर रहा हूँ। एक चीज़ आप लोग को और ही बोलनी थी, जैसे कि अभी मेरा एक ऑनलाइन वाटर कलर का कोर्स चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है मेरे थ्रू, तो अगर आप लोग को मेरा ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं 9559480989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको आर्ट कोर्सेज से रिलेटेड कोई इंक्वायरी लेनी है, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल कभी कभी मैं नहीं उठाता हूँ, कभी बिजी होता हूँ, मेरी क्लास चल रही होती, तो कोशिश करें कि आप मेरे को मैसेज करें, तो उसका रिप्लाई हो सकता है थोड़ी देर बाद, लेकिन मिलेगी ज़रूर। कभी कभी कॉल मिस हो जाती है, मैं नहीं मिला पाता हूँ, बैक कॉल नहीं कर पाता हूँ, तो मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ मैं अच्छा सिखा पा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप कोर्स करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा हो, या जो लोग न्यू हैं अभी, जिन लोगों ने मेरे को नया फॉलो किया है यूट्यूब पे, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सैंकी आर्ट करके पेज है मेरा, SHNKYART, ये मेरे पेज का नाम है। तो जैसे कि राइट साइड फेस में लाइट दिख रही है, अभी से मैंने हल्का सा सर्कल बनाया था, उसको मैं इरेज कर लेता हूँ, जिससे कि वो, क्योंकि वाटर कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइन दिखेगी। मैं अगर ना भी इरेज करूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी
अभी मैं आप लोग के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को मन में रहता है कि हाँ चलो इरेज कर दो कहीं ख़राब ना लगे ये सारी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, तो उस चीज़ को लेकर इतना टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले एक कलर मैं बना रहा हूँ हल्का सा, उसमें येलो ले रहा हूँ, येलो कलर एंड हल्का सा ऑरेंज, ठीक है। एक कलर मैं ये बना के रख रहा हूँ। सेकंड कलर मैं ले रहा हूँ, सेकंड जो कलर मैं ले रहा हूँ येलो ऑकर और अपना वर्मिलियन रेड, मतलब अपना नहीं हम सबका वर्मिलियन रेड, ठीक है। थोड़ा रेड और हल्का सा बढ़ा देंगे जिससे कि थोड़ा सा स्किन शेड और निकल के आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा ऑरेंज लेते हैं, ऑरेंज कलर। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ब्रश को क्लीन करके आप एक क्लीन वाटर अप्लाई कर दें फेस में इस तरीके से, ठीक है। जहाँ जहाँ लाइट चाहो वहाँ छोड़ दो थोड़ा सा, लेकिन देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, कम हल्का हल्का जैसे वाटर अप्लाई, जहाँ जहाँ मुझे लाइट दिखाना है। और जो मैंने ऑरेंज येलो कलर मिक्स किया था, थोड़ा और मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखे वो चीज़, ठीक है। देखिए मेरे वही है कलर पैलेट, चलो कोई नहीं, आपने हिसाब से जूम कर लेना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो वीडियो जूम कर सकते हो ना। अभी तो मेरी मजबूरी है क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ, तो फिर कलर पैलेट तो अभी मैं मतलब कि इसको जूम करूँ कलर पैलेट आपको दिखेगी नहीं फिर। अभी रिकॉर्डेड चल रही हैं चीज़ें, इस तरीके से लाइट वाले एरिया को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। देखो चित्रपट पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता है कि मैं कौन सा पेपर यूज़ कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ, चित्रपट 270 GSM रफ। बहुत सारे लोगों को पेपर को लेकर दिक्कत, सर एक प्रॉब्लम क्या होती है, पहले जैसे पेपर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया क्लास में हाँ ये पेपर यूज़ कर रहा हूँ, फिर 10 मिनट बाद कुछ नए लोग ज्वाइन होते हैं, सर अच्छा आप कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो, फिर जो 10 मिनट बाद ज्वाइन होते हैं उनको मैं बताता हूँ कि हाँ चित्रपट पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर जो 20 मिनट बाद ज्वाइन होंगे उनको मैं फिर बताता हूँ वही चीज़ रिपीट करता हूँ। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन कौन सा पेपर यूज़ करता हूँ या मैंने कौन से, सब बता देता हूँ पहले ही स्टार्टिंग में, जिससे कि बाद में आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अब जो मैंने रेड वाला कलर बनाया था, जो कैसे हर चीज़ को थोड़ा सा इजी लो तो अपने आप समझ जाओगे, डिफ़िकल्ट बनाओगे तो डिफ़िकल्ट लगेगी, ध्यान रखना चीज़ों को। अगर आपने डिफ़िकल्ट बनाया अब देखो कितना मैं कूल होकर काम करूँ, क्योंकि अंदर एक डर निकल चुका है, क्योंकि इतना काम मैं कर चुका हूँ वाटर कलर में कि एक डर निकल चुका है कि हाँ ख़राब होगा। मुझे लगता है कोई बात नहीं, ख़राब भी होगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें अंदर से जा चुकी हैं, ठीक है। मूंछों के पास हल्का चाहो तो थोड़ा कोई डल कलर या थोड़ा ग्रीन कलर डाल सकते हो, ये थोड़ा सा वो एक अलग इफेक्ट दिखे उसमें, तो अपने आप में देखो एक वॉल्यूम दिखने लगा फेस में कि नहीं, देखो उस तरीके से। अगर आप किसी को भी थोड़ा सा वीडियो अगर ब्लर दिख रही है या कुछ भी ऐसा कुछ, तो अगर आप बाद में भी देखोगे क्लास के आफ्टर द क्लास, तो हो सकता है वो कमी मतलब थोड़ा सही हो जाए, ठीक है। तो इतनी टेंशन मत लो कि सर वीडियो ब्लर है या कुछ है ऐसा कुछ, अगर आपको लग रहा है वो बाद में सही हो जाएगी। कभी कभी आपकी साइड से कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है, और ख़ासकर यूट्यूब लाइव में कभी कभी दिक्कत फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर इतना टेंशन मत लो, मैं आपको आज इतना तो बता दूंगा कि आप खुद कैपेबल हो सको कि एक फिगर कभी कलरिंग करनी तो कैसे करेंगे आपको पता हो, ठीक है। तो अभी इसमें हल्का सा मैं थोड़ा सा ग्रीन शेड ले रहा हूँ, ग्रीन किस लिए, थोड़ा सा विरिडियन ग्रीन है ऐसा कुछ, जैसे मूंछों के पास हल्का दिख रहा है, अभी आपको शायद ना लगे ग्रीन है बट मुझे लग रहा है वो ग्रीन है जो शेडो में, यही तो एक आर्टिस्ट एक स्टूडेंट को सोचने का फर्क होता है, एक आर्टिस्ट एक चीज़ को कैसे देख पा रहा है, स्टूडेंट उस चीज़ को कैसे देख पा रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हल्का सा थोड़ा सा येलो ऑकर और लेंगे, छोटे स्पेस में बनाएंगे,
जितना छोटे स्पेस में कलर बनाओगे उतना ही वो डार्क बनता है, ज़्यादा पानी कम रखोगे तो कलर क्या कहते हैं कि डार्क बनेगा। इसमें हल्का सा मैं क्रिम्सन भी ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लू अभी ऐड होगा, एकदम से कोई चीज़ डार्क नहीं कर, जब तक पहले एक इफेक्ट निकाल ना लो तब तक जल्दबाजी मत करो काम करने में, बस आप लोग के अंदर ये दिक्कत जल्दबाजी में, बस कर दो कंप्लीट कर दो, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। ठीक है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर है तो इसे यहाँ पे साइड में ये ओल्ड फेस तो हल्के फुल्के रिंकल्स दिखेंगे ही दिखेंगे, नोज़ की लोअर लाइन में भी काम होगा, बट जल्दबाजी नहीं करता कभी, बस आराम आराम से। ठीक है, हल्का सा ये नोज की लाइन अगर हार्ड हो जिसको हल्का सॉफ्ट कर लो, वो कब आपका काम अच्छा लगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, तो पेशेंस टाइम बहुत ज़रूरी है, जिसने पेशेंस सीख लिया काम में तो चीज़ें उसके लिए आसान हो जाएंगी। कुछ चीज़ सूख गई, कुछ चीज़ कहीं कहीं वेट ऑन वेट में हो रहा, कहीं कहीं ड्राई वाला इफेक्ट भी दिख रहा होगा सबको। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा बेस शेड लग गया, थोड़ा सूखने का वेट करते हैं, जब तक ये सूख रहा है तब तक हम हल्का सा येलो ऑकर लेके और हल्का सा ब्रंट अंबर लेके थोड़ा पगड़ी में काम कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइट दिख रही उसको उतना हम छोड़ देंगे, मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, जहाँ जहाँ ड्राई हो, मतलब कि जब तक फेस को हल्का सा एक बेस शेड लग गया, अब हल्का सा पगड़ी में जैसे जहाँ जहाँ दिख रहा है उस तरीके से एक इफेक्ट दे देंगे। और ब्रंट अंबर कलर लेके, यानी इसे येलो को डार्क करना, हल्का सा ब्रंट अंबर और ऐड कर दो, ठीक है, तो कलर देखो अपने आप और डार्क हो जाएगा, जब और ज़्यादा डार्क करना हो तो उसमें ब्लू ऐड कर दो ब्रंट अंबर में अपने आप कलर, तो स्टेप बाय स्टेप, एकदम से कोई ब्लैक ऐड नहीं करना है गलती से भी, ठीक है, तो उसी में हल्का सा मैं ब्लू ऐड कर दूंगा अब, तो कलर और डार्क हो जाएगा मैं ब्रंट अंबर में हल्का सा ब्लू। जैसे हेयर्स के पास पास भी, जैसे नॉर्मली देखो इस तरीके से, सिर्फ एक बेस भी, मतलब मैं आपको फिर भी बहुत जल्दी करके दिखा रहा हूँ, और बोल भी रहा हूँ कर भी रहा हूँ दोनों चीज़ें हो रही साथ साथ, ठीक है, मेन तो इफेक्ट आएगा डार्क कलर लगाने के बाद। ठीक है, अब जो कलर बनाएंगे उसमें हम मिक्स करेंगे अल्ट्रामरीन ब्लू, ठीक है, और अब वर्मिलियन थोड़ा डार्क कलर, और ब्रश को क्लीन करके एजेस को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे काम हो रहा है,
एक आर्टिस्ट किस तरीके से काम, कैसे प्लानिंग करता है चीज़ों की। या पहली बार जो लोग नए हैं, जिन लोगों से मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा हो उनको पता होगा मैं कैसे काम करता हूँ, लेकिन अभी भी जिनको नहीं पता है उनको एक आइडिया मिल रहा होगा। मतलब एक पैच पैच में कैसे एक इफेक्ट निकालते हैं एक फिगर को, मतलब एक स्पीड में कैसे काम कर सकते हो बेसिकली देखा जाए तो। एक सेकेंड, ठीक है। तो वही सेम अल्ट्रा मरीन ब्लू और स्कारलेट रेड, सॉरी वर्मिलियन, सिर्फ एक इफेक्ट को आप फील कर सकते हो। हल्का सा मैंने क्रिम्सन लिया हुआ है, थोड़ा सा क्रिम्सन रेड, थोड़ा सा ब्राइटनेस ऐड करने के लिए, हल्का सा ऑरेंज ले रहा हूँ थोड़ा सा और ब्राइट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली हम रेड नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऑरेंज कलर को लेकर हल्का टचअप करेंगे थोड़ा बहुत। ऐसा कोई रियलिस्टिक काम नहीं कर रहा हूँ, बस उसी चीज़ को एक इम्प्रेशन के रूप में कैसे देना है, कैसे छोड़ना है, वो चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। और एक छोटे से ब्रश की हेल्प से वैसे इसी से हो जाएगा ब्लू, क्योंकि अभी वेट है तो हल्का जहाँ जहाँ वेट ऑन वेट हो सकता है वर्क तो वहाँ तो एटलीस्ट कर सकते हैं। से आईज़ में थोड़ा डार्कनेस बढ़ेगी लेफ्ट वाली, जहां हल्का लिप्स के पास, ट्राई जरूर करिएगा। जो भी लोग ये देख रहे हैं टाइम निकाल रहे हैं, अगर आप लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो आज जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे टैग जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं मुझे, ठीक है। मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम चैनल बताया भी हुआ है, सैंकी आर्ट करके मेरे पेज का नाम है, जिनको नहीं पता है तो फिर से नोट कर सकते हैं, वहाँ मुझे टैग कर सकते हैं। जैसे मोस्टली तो स्टूडेंट जानते ही होंगे, बट जो न्यू है
बाकी भाई ये कि डिपेंड करता है, जितना डिटेलिंग देंगे अपने काम में उतना वो रियलिस्टिक निकल के आएगा, तो ये मैटर करता है आपके पास टाइम भी कितना है, ये भी डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा बीएड में हल्का काम करेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो भी लोग ये देख रहे हैं सबको कुछ एटलीस्ट चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ डेमो है जिससे आपको सीखने को मिल रहा है कुछ। पहले जो डेमो मिल रहा है अगर उसको आप देख लें अच्छे से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? ज़्यादा भागे मत। एक प्रॉब्लम यही है जब डेमो मिल रहा होता है तो फोकस उस पर करें ना कि भी दूसरी चीज़ों पे। ये मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, एक स्टूडेंट का मैसेज है, कुछ और क्वेश्चन था कि अलग एंगल में फेस हम कैसे बनाए, तो उसी को मैं रिप्लाई दे रहा हूँ ये, ठीक है? तभी देखो एक इफेक्ट कुछ नहीं किया बट फिर भी बहुत कुछ है अगर देखा जाए तो। तो बाकियों को समझ में आ रहा है ये कि नहीं? ठीक है, बस ये कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। थोड़ा ब्लू ओपरेंट नंबर लेकर के हल्का सा ब्रंट थोड़ा डल करने के लिए ब्लू को, ठीक है? ब्लू और ब्रंट नंबर मिक्स किया है मैंने, जो कलर शेड आपको दिख रहा है। डायरेक्टली कलर लगा रहा हूँ ब्लू, वो हल्का ब्रंट जहाँ थोड़ा डल दिख रहा है शेड, वो ब्रंट अंबर उसमें मिक्स किया गया है। आप उस तरीके से सोचिएगा। लाइट काफ़ी ज़्यादा है, वाटर कलर पहले तो आपको क्वेश्चन गलत है कि वाटर कलर चीज़ों में हेल्प क्या होती है। वाटर कलर से कुछ भी बना सकते हो ना आप, मतलब मीडियम चाहे कोई भी हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें हेल्प वाली कोई बात नहीं होती। हाँ बस ये है कि वाटर कलर मीडियम से हम जल्दी से किसी भी एक ऑब्जेक्ट में इफेक्ट ला सकते हैं, बस ये एक फ़ायदे वाली बात होती है, ठीक है ना? यानी कि इंस्टेंट इफेक्ट निकल के आ सकता है।
देखो एक लोगों का क्वेश्चन आया है विच पेपर यूजिंग, जैसे मैंने अभी वीडियो में स्टार्टिंग बोला था वही चीज़, देखो बात सत्य हो गई मेरी, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी मैं पेपर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। चलो मैं फिर से रिपीट कर ही देता हूँ, टीचर हूँ तो बताना ही पड़ेगा। मैं चित्रपट पेपर यूज़ कर रहा हूँ, वैसे मैं क्लास के स्टार्टिंग बताया था, आप लेट हैं ठीक है, इसलिए आपको नहीं पता कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, काम है मेरा भाई रिप्लाई देना, क्या कर सकते हैं। तो हल्का थोड़ा डार्क शेड थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा जैसे थोड़ी थोड़ी सी डेप्थ निकल के आए काम में, फिर भी उतना नहीं, इतना कि बस आपको समझ में आ जाए। ब्लू और ब्रंट अंबर वही, बस दो ही सेम कलर। थोड़ा नीचे की ओर थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ शेड में। मैं फिर बोल रहा हूँ कि डेमो अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ट्राई करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छा भी करेंगे ठीक है। तो मेरी आशाओं पानी मत फेरना, काम जरूर कीजिएगा, नहीं तो मैं फिर ऐसे फिर इतने इंटरेस्टिंग डेमो फिर नहीं लाऊंगा आप लोग के लिए। उम्मीद करता हूँ, कोई बात नहीं, जब भी जैसे हो पाता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे स्केच करो, अभी ज़्यादा भागने जरूरत नहीं है, फ़ोन से कर पा रहे हो कोई बात नहीं फ़ोन से कर लो, अभी उस चीज़ को लेकर इतना टेंशन मत लो, जैसे भी हो रहा है स्टार्टिंग में होना ही अपने आप में, आप इंटरेस्ट ले रहे हो बस वही बहुत होता है, अभी कैसे हो रहा है क्यों नहीं हो पा रहा सब मैटर नहीं करता, जिससे भी हो रहा है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें करो स्केच, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं आर्ट कर पा रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी जो आर्ट ही नहीं, उनको टाइम ही नहीं मिल पाता, या जिनके पास टाइम है उनको करने नहीं दिया जा रहा है, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप आर्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो ब्लू और रेड लेके थोड़ा सा डार्क कलर और बना रहा हूँ। ट्राई जरूर कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ जितना भी मैंने डेमो दिया है प्लीज़ ट्राई कीजिए, जैसा भी लगा हो डेमो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता वो भी ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और हाथ में वही सेम कलर, फिर से हल्का थोड़ा पानी अप्लाई करेंगे ठीक है, हल्का सा ऑरेंज, ठीक है, और वहाँ पे भी हाँ, अगर बिल्कुल आर्ट्स कॉलेज बुलाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, मैं जाता ही रहता हूँ, बट जो इनवाइट करता है तो ऐसे नहीं, मतलब कहीं भी डिपेंड करता है। तो हल्का ऑरेंज और थोड़ा रेड ले रहा हूँ, बहुत सारे आर्ट्स कॉलेज में डेमो दिए हुए हैं, बट ये डिपेंड करता है कि कौन बुला रहा है, वो इनवाइट कर रहा है ऐसे, मतलब या इनवाइट करने पे ही वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है ठीक है। तो आप देखें क्या हो सकता है, हाँ तो मैं ऐसे बस नॉर्मली इफेक्ट देके छोड़ रहा हूँ। थोड़ा डार्क और होगा,
ब्लू और रेड, ब्लू और रेड यानी वर्मिलियन जो मैंने आपको बताया। डार्क में इसलिए कर रहा हूँ कि हाथ नीचे का थोड़ा डार्क है इसलिए। इसमें हल्का सा मैं उठा रहा हूँ शेड, जिससे कि हाथ मोटा मोटा ना लगे। ठीक है, नॉर्मली से ड्राई स्ट्रोक्स में आप नॉर्मली से कोई इफेक्ट देना है, कुछ भी लाइन ड्रॉ करना है, आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। थोड़ा इसको डल कर देता हूँ, हाथ को मैंने इफेक्ट देके छोड़ दिया है। इसको हल्का से स्प्रेड हो रहा, थोड़ा सा उसमें मोटाई बढ़ सकती है, इसको थोड़ा सा मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ठीक है, और वहाँ पर हल्का सा ब्राउन और ब्रंट अंबर। जो पहले मैंने कलर किया था उसको साफ पानी की हेल्प से हल्का मर्ज कर देता हूँ तो इजी हो जाएगा वो। अब देखो फिनिश हो गई वो चीज़, तो कैसे उसको निकालना है, किस तरीके सही करना है, सब आपको आना चाहिए। हल्का सा पानी हल्का टेक्सचर दे सकते हो, पानी की छींटे हल्का सा लगा के। बाकी खीरे इन्होंने पकड़ रखे हैं हाथ में, तो हल्का सा कोई भी लाइट ग्रीन कलर ले करके थोड़ा सा ऐसे इसमें इफेक्ट दिखा दो बस। जैसे इसमें कोई ऐसा कोई वो बहुत बड़ा काम नहीं है कि जो आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट है। मैंने कपड़ों में डिटेलिंग नहीं कर, बट फिर भी इफेक्ट तो आप देख ही सकते हो ना किस तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा अब देखो हाथ में, थोड़ा फेस में थोड़ा सा दिखाता हूँ एक बार, हल्की से थोड़ी डिटेलिंग कराता हूँ। अभी थोड़ा मैं जूम कर रखा है, ऐसे आपको भी दिखे। तो हल्का सा मैं रेड ले रहा हूँ और अल्ट्रा मरीन ब्लू ले रहा हूँ, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं दिखेगा कि मैंने क्या बनाया है। जहां जहां पे डार्कनेस हल्का हल्का बस बढ़ा रहा हूं, उसको दूसरे साफ ब्रश की हेल्प से थोड़ा मर्ज भी कर देता हूं एकदम। उसके एजेस थोड़े सॉफ्ट हैं, किसी भी दूसरे ब्रश की हेल्प से एजेस थोड़े सॉफ्ट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं एक और हल्की अच्छी डेप्थ दिखेगी इसलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीज़ें सूखने के बाद ही मतलब हो सकती हैं, मतलब एकदम से वेट ऑन वेट में भी नहीं होती कि प्रॉपर डार्क। और इससे आपको एक क्या कहते हैं कि थोड़ा एक आइडिया होगा काम करने का भी, ऐसा अगर ऐसा कुछ किसी स्केच से पाला पड़ता है तो आपको पता हो कि किस तरीके से कलर अप्लाई करना है।
थोड़ा सा टर्किश शेड में अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट दिखे कॉलर में इस तरीके से। अब करने डिटेलिंग हम कितनी भी कर सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चलता रहे काम वो तो फिर एक अलग चीज़ होगी। लेकिन मेन है डेमो आपके लिए था, आपको समझना था ये चीज़ कैसे हो रही, किस तरीके होगी, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जो मैंने काम करके दिखाया किस तरीके से हुआ। एक पूरा डेमो मतलब बहुत सिंपल सिंपल पैच पर इफेक्ट कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई, ठीक है। बिना डर के कैसे काम करना है उसके बारे में भी आपको बताया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले हाथ खड़े कर लेते हो आप लोग कि नहीं बनेगा, ये मत सोचो, करो काम, अटेम्प्ट करो। सब अच्छा होगा, बस अपने अंदर थोड़ा साहस लाएं काम करने का। जो कोई डिटेलिंग नहीं बट फिर भी इफेक्ट तो दिख ही रहा है ना। इतना भी मुझे लगता है अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, इतना भी अगर आप कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप लोगों को कुछ क्लासेस लेनी है वाटर कलर की या स्केचिंग की, तो मेरे अभी नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं स्केचिंग और वाटर कलर के, तो अगर आपको लगता है तो आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो 9559480989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मुझे व्हाट्सएप ही कीजिएगा, कभी कॉल नहीं उठा पाता हूँ मैं। तो आप बताओ आप लोगों को डेमो कैसा लगा, मतलब कुछ भी एक इंटरेस्ट आया कुछ समझ में, एक तरीका कैसे काम करते हैं। कभी आप लोगों के लिए इतना इजी था ये सब ऐसे कर पाना। मतलब मैं ही नहीं कर रहा, बहुत रियलिस्टिक डेमो दिया, बट फिर भी इतना कि आप समझ सको चीज़ों को ना। एक कभी ऐसा कुछ आता है तो आप डरो मत, अपने उससे भी कर सको काम। ये हल्का थोड़ा सा इसको हम देखो, मैंने हर चीज़ करके दिखा दी, अब आपकी बारी है, आप कैसे किस तरीके से अच्छा करते हो। मेरा काम तो मैंने बता दिया, और इससे अब एक डेमो के हिसाब से और क्या अच्छा आप ले सकते हो ना। मुझे लगता है इतना चलेगा, ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो एक सिंपल सा वाटर कलर डेमो था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और अभी वैसे तो ये वीडियो जब सेव होगी थोड़ी प्रोसेसिंग में होगी, तो कल तक ये और अच्छे से यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको डेमो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और जैसा भी आज की आपको ये क्लास लगी हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे आज डेमो में आप लोग के लिए अच्छे से लाता रहूँ, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लाइव में। बाय बाय एंड टेक केयर।